वेलकम फ्रेंड्स, आज आपकी कुछ ही स्पेशल क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो रेगुलर टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ सिस्टम की अपडेटिंग चल रहा है इस वजह से। लेकिन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन होता है अक्सर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के बारे में आप लोग काफी परेशान रहते हैं। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ना। तो आप ही लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन किया था, -1/8 व 1/9 के बीच 7 परिमेय संख्या कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा, समझ में आने की पूरी गारंटी होगी। आज हम इसको 2-3-4 प्रकार का आपको सवाल करवाएंगे और उसमें आप सभी प्रकार का कर ले जाओगे, ये बिल्कुल पूरा उम्मीद है। देखिए कैसे करेंगे। पहले जो भिन्नें दी गई हैं उनको आपको लिख लेना है चुपके से, वैसे -1/8, दूसरा 1/9, दिख तो रहा है ना, इसमें तो कोई कमी नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले हर बराबर होना चाहिए इन भिन्नों का। हर बराबर होना चाहिए मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, मतलब जानते हो ना जी, जैसे 3/5 ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। तो दोनों भिन्नों का हर यानी डेनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो चलो इसको इक्वल कर लेते हैं। पहले भिन्न का जो हर है उससे दूसरी भिन्न में नीचे ऊपर गुणा करेंगे, और दूसरे भिन्न का जो हर है उससे पहले भिन्न में नीचे ऊपर गुणा करेंगे, फिर बराबर हो जाएगा। तो इसमें 9 है, तो इसमें आप क्या करोगे, 9 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। ये लो 9 से, 9 × 9, 9 × 8 = 72। इतने से काम नहीं बनने वाला, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये माइनस में आएगा, ठीक। अब इसका हर क्या था, 8 था ना, तो इसमें आप 8 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो 8 × 8, 8 × 9, 72। देखिए ध्यान दीजिएगा, आ गई परिमेय संख्या, 7 नहीं, आप 27 परिमेय संख्या लिख सकते हो। एक बात और याद रखिएगा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर बोले 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई 1 के बाद तो 2 आता है, फिर कहां से अनंत हो जाती है, तो वो अभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये लीजिए, हमारा आ गया 1 9/72 जो कि माइनस में है, इसके बीच में 7 निकालना है ना, तो चलो 7 जगह छोड़ देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर है 8/72। तो देखो सिंपल सी बात है, प्लस और माइनस में काफी अंतर होता है। अगर हमने -1 लिखा है और +1 लिखा है, इसका दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे, ये 1 रुपया का कर्जा है किसी के पास, लोन है, और ये 1 रुपया किसी के पास प्रेजेंट टाइम में है। तो जिसके पास कर्जा है, जिसके पास है, उन दोनों में काफी अंतर है ना जी। तो अब आप क्या करेंगे, ये बताइए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इधर साइड को बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटता जाएगा, -8, फिर -7, -6, -5, ऐसे ऐसे जाते जाते क्या होगा, ये एक समय आएगा जब -1 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, मतलब फिर प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आप इसको लिख दोगे जहां तक आपको जाना है, और सभी में 72 लगाते जाएंगे, क्योंकि इसके पहले सब ऐसे आएगा है ना। ये -4/72 होगा, -3/72 होगा, -2/72 होगा। आपको 7 निकालना था, इसलिए हमने 7 कालम बनाया था बस। अभी -1/72, 0/72, 1/72, 2/72, ऐसे ऐसे 7/72 तक आता, समझ गए। तो आपको जितनी भी परिमेय संख्या निकालना है उसको लिख लो इसी में से, ये हो गई। दूसरा नंबर, बहुत सी बुक में कुछ दूसरा दिया होता है, किसी बुक में कुछ दूसरा दिया होता है। तो आप जानते हो कि जैसे किसी स्कूल में मान लेते हैं कि किसी कक्षा में 10 बच्चे हैं, किसी कक्षा में 10 बच्चे हैं, कोई बोले कि भाई कोई 5 लोग बाहर आ जाओ या कोई 3 लोग बाहर आ जाओ, तो पहली बार में रमन मोहन सोनू बाहर चले गए, दूसरी बार में टिंकू पिंकू रिंकू चले गए, तो आप कहेंगे भाई 3 बुलाया था, ये तो अलग अलग कैसे आए, तो है तो 10 ना कुल, तो उसमें से कोई भी 3 आ सकता है ना। तो वैसे क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्या है, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई भी दो हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि जो आपके किताब में दिया हो सही है, आपको केवल तरीका सही लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया जब आपको एक से अधिक कई परिमेय संख्याएं निकालना हो। ये बहुत से लोगों का सवाल था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख लीजिए,
यहां पर आप लिख सकते हो, ये मैंने तो लिखा नहीं है, दोनों भिन्नों के हरों को बराबर करने पर, आप किसी भी तरीका से बराबर कर सकते हो, बस दोनों का हर बराबर होना चाहिए। एक छोटा सा आपको इसमें बता दें, उसको भी देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, अब वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो निसंकोच। अक्सर कोई सवाल आता है आप लोगों से, अक्सर पूछा जाता है, जीरो व एक के बीच कोई परिमेय संख्या बताओ, है ना, एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या के लिए आप एक फार्मूला लगाओगे प्यारा सा छोटा सा, वो है 1/2a+b, अगर एक से अधिक ना निकालना हो तो। इसको आप उसमें भी लगा सकते हो जिसमें ज्यादा निकालना होता है, लेकिन उसमें काफी लंबा हो जाएगा फिर। तो इसको आप क्या करोगे, 1/2, ए की जगह पर पहली संख्या यानी ये ए है और ये बी है, तो ये 0 धन क्या हो गया, 1, जोड़ लोगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 × 1 यानी कुल मिला के 1/2 आ जाएगा, है ना। 0 व 1 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो गई, ये लो इधर बना लो, 0 व 1 यानी 1 के बीच में एक परिमेय संख्या 1/2। इतने में ही छुट्टी नहीं हो जाती, अभी इसके बीच में और भी है। अगर आपको कोई कहे कि 0 व 1 के बीच में आप 4 परिमेय संख्या निकालो, तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे, अब आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसके बीच में एक परिमेय संख्या आ जाएगी, आपको और निकालना है, 1/2 को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसके बीच में एक आ जाएगी, और भी निकालना है, जो बीच में आई उसको ए मान लो, इसको बी मान लो, एक और आ जाएगी। इस तरह से आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो, ये बहुत ही आसान तरीका है, समझ गए ना। ये कुछ आपकी स्पेशल क्लासें हो रही इस समय, इसलिए आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो रही, जो लंबी क्लास होती है 1 घंटे आधा घंटे की, वो क्लास जल्दी ही हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, बस आप लोग PBR STT के साथ बने रहें, समझ गए ना। तो डिस्क्रिप्शन वीडियो का अवश्य देखें, वहां पर आपको अपडेट दी जाती है क्लास के बारे में, कौन सी क्लास कब होती है, दिन भर में कई सारी क्लासें लाइव होती है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दें, इसको भी गौर कर लो जल्दी से, 1/3 व 1/4 ये क्वेश्चन नंबर 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, इसको क्या करोगे जरा गौर करना, यहां पर गौर करना। ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, कैसे, देखिए पहले तो आप इसका हर बराबर करोगे, हर बराबर करोगे तो क्या होगा, इसमें आप दूसरे भिन्न के हर से गुणा करोगे इन दोनों में, तो ये 4/12 हो जाएगा, इसमें भी वही करोगे 3 से करोगे तो ये 3/12 हो जाएगा। लेकिन अब आप इनके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, जैसे उसमें हो गया था जी, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग टाइप का सवाल है, इसमें अगर आप बनाना चाहोगे नहीं बनेगा। ये लो देखो, इधर मैं करके दिखाता हूं, ये 4/12 है, पहले 3 वाला लिख लो, और ये 4/12 है, ये बताओ इसके बीच में कुछ आता है, नहीं कर पाओगे आप, नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक स्टेप और करना होगा, हर बराबर करने के बाद अगर कुछ ऐसी स्थिति नहीं आती है तो आप इसमें एक स्टेप और करोगे, जैसे अभी पिछला सवाल आपने देखा था, उसमें दोनों संख्याओं के बीच काफी गैप था, माइनस प्लस में थी ना जी, जैसे -9/ कितना आया था, 72, और वो 8/72 आया था, तो देखो इन दोनों के बीच में काफी अंतर है ना, आप -8/72 -7/72 -6/72 करते करते यहां तक पहुंच सकते हो, यानी ढेर सारी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो बिना कुछ किए ना जी। तो अब आप क्या करोगे इसमें, इसके लिए आपको जितनी संख्या निकालना है उससे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है, 5 निकालना था तो आप 6 से गुणा करोगे, 6 × 6 = 24 और 12 × 6 = 72, इसमें भी वही करोगे उसी से ही, तो ये 6 × 3 = 18 और 12 × 6 = 72। अब देखो बन गया, सिंपल सी बात है, 18/72 और 5 जगह छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 24/72, ये लो हो गई 5 परिमेय संख्या, जी लिख लो चुपके से, 18 के बाद आएगा 19/72, 20/72, 21/72, 22/72 और ये 23/72, हो गई ना ये 5 परिमेय संख्याएं, बात एकदम क्लियर हो गई, जल्दी से छाप लो फटाफट। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और प्रतिदिन क्लास देखने के लिए PVR STT की लाइव क्लास को अवश्य ज्वाइन करें,
इस व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करें। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको गणित सिखाने की हम पूरी गारंटी लेते हैं। और हाँ एक बात और, आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे FB, तो PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें। फेसबुक पर सर्च करें PVR स्टडी, एक पेज आएगा जिसमें PVR स्टडी का लोगो लगा होगा जैसे चैनल पे लगा है, उस पे एक अंगूठे का निशान होगा, केवल आपको लाइक कर देना है। और फिर ओपन करोगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर टॉप पे, आपको फॉलो कर लेना है। फिर आप ये क्लास यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर बिल्कुल फ्री देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ, फेसबुक को मिटा देना है यहाँ से, यहाँ पर लगा देना है .com और विजिट करना है किसी भी कंप्यूटर मोबाइल फोन से, यहाँ पर आप करंट अफेयर GKGS और अन्य सभी बहुत सारी चीजें पाओगे यहाँ पर अनगिनत। ठीक है तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा जिससे किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरा हो जाए। और फिर अगले क्लास के लिए इंतजार करिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपको ढेर सारा धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, अगली क्लास फिर देखिएगा।